तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है आपके इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग है, और इन्वेस्टमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, गुड़गांव अपने आप में एक मिलेनियम सिटी है, और इस मिलेनियम सिटी के अंदर छोटी छोटी सब सिटीज हैं वो रेडी हो रही हैं, आप भी जानते हैं। और इन सब सिटीज के अंदर आज हम बात करेंगे ग्लोबल सिटी, और ग्लोबल सिटी के नियर बाई की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। कुछ कुछ ऐसी डेवलपमेंट आ रही है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बन सकती है। जैसे कि ग्लोबल सिटी, आप जानते हैं कि 1000 एकड़ के अंदर बहुत खूबसूरत डिजाइन के अंदर रेडी की जाएगी, और ये जो सिटीज हैं ये आने वाले नेक्स्ट 7 से 8 सालों में आपको दिखनी है वो शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको ये लगेगा कि शायद इन सिटीज के आसपास हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम जब कोई चीज आ रही होती हो ना, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम थोड़ा सा है ना कम ध्यान देते हैं। जब वो बन जाती है तब हमारा ध्यान है वो उसकी चीज की तरफ जाता है। जैसे कि अगर ग्लोबल सिटी के बगल की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, तो जैसे कि क्रीसुमी है, क्रीसुमी जब लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर, ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 81-82 का रेट यहाँ पे ओपन हुआ था। तो तब हम कस्टमरों को वहां पे विजिट कराने जाते थे, ना तो सीपीआर हुआ करता था और ना ही द्वारका एक्सप्रेस वे, तो हम गांव के अंदर से एंट्री कराते थे। तो कस्टमर कई बार ये बोलते थे कि भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, गाँव से रास्ता है, प्रोजेक्ट जंगल एरिया है, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट एरिया की लैंड काफी ज्यादा आती है जो आज ग्लोबल सिटी के अंदर आती है। तो वो फॉरेस्ट एरिया मतलब अच्छे रास्ते नहीं हुआ करते थे, तो लोग डरते थे उधर जाते जाते, क्योंकि हमें मास्टर प्लान का पता था कि भाई ऐसी यहाँ पे डेवलपमेंट होनी है। तो हमने इन्वेस्टर को कहा सर आप एक बार कर लो बस काम। आज वही इन्वेस्टर प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी नहीं है। देखिए, जब आपको नेक्स्ट कुछ सालों की डेवलपमेंट प्लान का पता हो ना, तो आप बेझिझक होके वहां पे इन्वेस्टमेंट डाल दो। अगर प्लान ही नहीं है तो फिर देखो कंसिडर किया जा सकता है कि यहाँ पे कोई प्लान नहीं है। जो 2031 का जो मास्टर प्लान बनाया गया है ना गुड़गांव का, वो प्रॉपर तरीके से सोच समझ के बनाया गया। देखो कोई भी डेवलपमेंट बनने में बहुत टाइम लगता है, वो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता उसके ऊपर। हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट में रिजल्ट मिल सकता है अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हो तो। जैसे ग्लोबल सिटी के बगल में अगर क्रीसुमी देखा जाए, तो क्रीसुमी ने बहुत अच्छा वहां पे अप्रिशिएट किया, क्योंकि नया डेवलपर था, नई ज्वाइंट वेंचर के ऊपर काम कर रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि ये इस तरीके से काम कर सकता है। उसी के बगल में ग्लोबल सिटी में क्रीसुमी हो गया सर, उसके बगल में ही अगर देखे तो नवराज की डेवलपमेंट आ रही है, उसी के बगल में देखे तो सिग्नेचर ग्लोबल अपना प्रोजेक्ट है वहां पे ला रहा है, हाई राइज है वो स्टार्ट कर चुका है। तो वहां पे जल्दी वहां पे आपके जो एवाई है वो उनका काम है वो शुरू हो जाएगा। तो ये 2 से 3 ऐसी डेवलपमेंट है दोस्तों, इनके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये 3 ऐसी डेवलपमेंट है जहां पे आपको रिटर्न यानी टाइम टाइम देखो, इन्वेस्टर अगर टाइम के अंदर एंटर नहीं हुआ तो फिर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रति अच्छा रिटर्न नहीं ले सकता, क्योंकि आप अगर डिले हो गए ना फिर समस्या हो जाएगी, फिर आपका जो रिटर्न है जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग में कंसर्न कर सकते हैं, कुछ आपको और बेटर इन्वेस्टमेंट है वो गाइड करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट्स, वीडियोस एंड न्यूज आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।